करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया के पत्रकारों ने पहुंचकर मेयर रेणुबाला गुप्ता से रूबरू हुए व उनसे सवाल जवाब किए। इस अवसर पर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया है, जिस पर निगम क्षेत्र के अंदर आने वाली प्रत्येक समस्या का प्रमुखता से निदान किया जाएगा। यह व्हाट्सएप नंबर करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता ने सीधे संपर्क में होगा, जिस पर हर आम आदमी अपनी समस्या को रख सकता है एवं उनका समाधान पा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट। सभी करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज आपसे बातचीत करने का कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य तो नहीं था, पर जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश भर में समान गति से विकास करवा रहे हैं, समानता से विकास कर रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि उन्होंने राजनीति में आकर राजनीति के मायनों को बदला, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर उन्होंने इस नीति पर चलते हुए पूरे प्रदेश में विकास करवाया। और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे विधायक भी हैं, और हमारी जिम्मेदारी करनाल वासियों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो हमें किसी भी विकास के लिए और किसी भी बात के लिए मार्गदर्शित करते हैं, तो वो एक आशा और उम्मीद के साथ कि सभी करनाल के प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं और करनाल के सभी जनता के सभी नुमाइंदे हैं, सभी लोग हैं, वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे और उनके इस मार्गदर्शन से करनाल आप जानते भी हैं विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारे माननीय सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी भी आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को पता है, वो लोगों के बीच में रहकर पूरी तरह से सेवा में जुटे हुए हैं। कहीं कोई समस्या आती है या कोई ऐसी बात होती है तो वो उसकी पूर्ण जानकारी लेकर उन समस्याओं का निदान भी करवाते हैं। कभी कभी आप लोगों के माध्यम से या सभी जनता के माध्यम से हम और सभी पार्षदों को शिकायतें मिलती हैं कि विकास को लेकर या किसी भ्रष्टाचार को लेकर या नगर निगम से संबंधित कोई भी काम है, सफाई है, सड़कें हैं, गलियां हैं, इसके साथ साथ सीवरेज की है, पानी की है, लाइट की है, तो उनके संबंध में शिकायतें मिलती है। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि पिछले 5 वर्षों में भी पार्षदों ने पूरी तरह से सहयोग करते हुए मुझे मेयर के तौर पे चुना और पूरे 5 साल तक सहयोग करवाया ताकि शहर की समस्याओं का निदान हो सके। अब की बार फिर से करनाल के लोगों ने जिस विश्वास के साथ सभी पार्षदों को और मुझे चुना है, तो एक विश्वास जो जनता के बीच में और जिस तरह से सीधा उनसे तालमेल करने का अवसर मिला, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो उसी को लेकर आज ज़्यादा कुछ नहीं, एक हम व्हाट्सएप नंबर लोगों को देना चाहते हैं, जो कि सीधा, कई बार ऐसा होता है कोई हमारे तक पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है, पर अपनी समस्या का समाधान हर कोई चाहता है, तो वो चाहता है कि किसी तरह से भी अपने जनप्रतिनिधि तक उस समस्या को पहुंचाए। तो एक व्हाट्सएप नंबर हम आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जारी कर रहे हैं, जिसमें कि लोग अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतें हम तक भेजेंगे और हम भी उन्हीं व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें जवाब देंगे। कभी कोई बात होती है तो फ़ोन पे भी हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका जवाब ज़रूर देंगे। ये सारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे, क्योंकि अब की बार जब सुशासन दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब करनाल में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने विशेष तौर पे इस बात के लिए कहा था कि
हमारी सरकार पूरी तरह से एक अच्छा सुशासन देना चाहती है। सरकार के बीच में, जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में एक विश्वास की डोर को बांधना चाहती है, पर कई बार ये लगता है कि बहुत सारा समस्याओं का, कई सारी समस्याओं का समाधान हो गया, पर कई सारी चीज़ें जो बाकी रह गई हैं। तो इन नंबरों के माध्यम से, वैसे नगर निगम का भी टोल फ्री नंबर है, पर जनप्रतिनिधियों के पास उस टोल फ्री नंबर की शिकायतें नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए आज एक नंबर हम आप लोगों से, मेरा भी ये आप लोगों से निवेदन है कि आप इस नंबर को सब तक पहुँचाए। ये नंबर रहेगा 9919000059। तो आप, मैं दुआ 9919000059। इससे आप लोग सभी इस नंबर के माध्यम से, करनाल का कोई भी व्यक्ति है वो मेरे से या मेरे रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ सक पाएगा, और वो, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी समस्या होगी उसे जरूर पूरी तरह से समाधान करेंगे। हम पार्षदों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि सरकार जिस भावना से काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भावना से प्रदेश में काम कर रहे हैं, करनाल में भी सभी पार्षद मिलकर एक अच्छा सुशासन देंगे, एक अच्छी व्यवस्था शहर को देंगे। अब सबको उम्मीद है कि हमारे पार्षद मिलकर एक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सभी ने भी एक आज के दिन भी और जब से बने हैं तब से एक संकल्प लिया हुआ है, और इस बात के लिए भी सब ने संकल्प लिया है कि कोई भी आपके पास शिकायत आती है, कोई भी हमारे पास यदि कोई शिकायत आती है तो उसे दूर करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का जल्दी से समाधान हो सके। और आप लोग तो ऐसी मीडिया की टीम है जो कि हमें भी समस्याओं से समय समय पर जागृत करवाती रहती है। आप लोगों का दिल से आभार है, और आपके माध्यम से ही काफ़ी लोग, आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग भी जल्दी से समस्याओं से जुड़ जाते हैं और चाहते भी हैं कि हमारी समस्याओं का निदान हो। मैडम, पिछले दिनों नगर निगम चांद ग्रहों को नोटिस भेज दिए और कहा कि अगर चांद ग्रहों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो नीलामी कर दी जाएगी। ये क्या आपकी जानकारी में है ये मामला? ये मामला मेरी जानकारी में आया था, मैंने तुरंत इसमें हमारे DMC से, हमारे कमिश्नर से इसके संदर्भ में बात करी थी कि जब शमशान घाट को, शमशान भूमि को हम लोग बल्कि ग्रांट करके उन्हें सहायता करते हैं, तो और सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से स्वर्गाश्रम का जो भी टैक्स है वो पूरी तरह से फ्री है, तो यदि इस तरह की कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार भी करेंगे। और जो अधिकारियों ने यदि किसी इंटेंस से इन नोटिस को भेजा है तो उन्हें, उनके प्रति कार्रवाई भी करेंगे। मैडम, आप सेकंड टाइम बनी है, अच्छी बात है। आपके बगल में ही पुराना बस स्टैंड है, सेंटर है वहाँ पर, और वहाँ पर कब्जा कर रखा है कुछ दुकानदारों ने, वहाँ दुकान ही बना रखी है, वहाँ यात्री कैसे बैठेंगे? और बस स्टैंड से बाहर ही यात्री निकल नहीं पाते, कोई कंट्रोल नहीं है, इतने थ्री व्हीलर चालक है, तो बड़ी परेशानी आ रही है। पहला तो ये सवाल है, दूसरा मैं साथ साथ ले लूं, आपकी जो नगर निगम है ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा वही है। अनिल जी साहब भी आए, उन्होंने भी वहाँ पकड़े हैं, कुछ लोग पकड़े हैं, और उन्होंने आपके से भी कुछ बोला है, और ये माना जाता है कि आपको नगर निगम के जो अधिकारी, आला अधिकारी मैं बोलूंगा, आपको तो गंभीरता से लेती नहीं है वो लोग। नहीं, इसीलिए आज यहाँ सिर्फ मैं अकेले नहीं, मेरे पूरे पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, सभी नगर निगम की पूरी टीम इस बात के लिए मौजूद है कि पूरी तरह से इस बार
पूरी तरह से सजगता से इस पे कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा कि जो भी बिल्डिंग का या कोई कब्जे का है तो उस पे भी आपकी बात बिल्कुल सहमत होते हुए कि बिल्डिंग ब्रांच से कई बार इस तरह की शिकायतें लोगों के माध्यम से या आप जैसे के माध्यम से आती है कि बिल्डिंग से रिलेटेड कई बार वो बिल्डिंग बनने देते हैं, फिर बिल्डिंग पे उसको गिरा भी देते हैं, नोटिस भी भेजते हैं, उसको डराते धमकाते भी हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि वो सेटिंग करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि इस पे ज़रूर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा और जो भी इसके लिए दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कब तक हो जाएगी ये बस्तियों सेंटर जो अवैध कब्जे हैं, दुकान बना रखी है, कब तक हो जाएगी? आज आपने इस समस्या को बताया, मैं आज ही अपने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को, अपने DTP को इस बात के लिए कहूंगी और जरूर इस समस्या का समाधान करवा के आपको बता दिया जाए। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।